हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कछुआ और तालाब, जो कि सप्लीमेंट्री बुक है क्लास सिक्स की एनसीईआरटी बेस पर। आइए हम इसको रीड करके अच्छी तरह से समझते हैं। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। सुना है कि उस ज़माने में वह एक दूसरे की बातें भी खूब समझ लेते थे। एक साल बारिश बिल्कुल न हुई, तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए। पानी की कमी से जानवर मरने लगे। जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया। जलसे में मुख्तलिफ जानवरों ने तकरीरें की। ये बहस हुई कि ऐसी क्या तरकीब की जाए कि पानी की कमी से जानवर न मरें। हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहां इस खुश्की का डर ख़त्म हो जाए, लंगूर बोला। ये सुनकर कछुआ फौरन बोला, मगर भाई मैं तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊंगा। अच्छा, तो फिर ये खुश्की का ज़माना हमें सोकर गुजारना चाहिए, सांप ने राय दी। लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं, खरगोश ने अपना ख्याल जाहिर किया। आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर एक तालाब खोदें, बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह से पानी की कमी दूर हो जाएगी। सबने ये बात मान ली और ये तय हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले जंगल का राजा इस काम को शुरू करेगा और फिर बारी बारी सब उसमें हाथ लगाएंगे। आखिर में गीदड़ इस काम को पूरा करेगा। खुदाई का काम शुरू हो गया। जब काम ख़त्म होने को आया और गीदड़ की बारी आई तो वह कहीं नज़र न आया। तालाब तो पूरा होना ही था, इसलिए गीदड़ का इंतज़ार न करके उसे पूरा कर लिया गया। चंद दिन के बाद ही बहुत ज़ोर की बारिश हुई, पूरा तालाब पानी से भर गया। तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाया गया और ये फैसला हुआ कि जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है वही जानवर यहाँ आकर पानी पी सकते हैं। गीदड़ तो काम से जान चुरा कर छुपा छुपा फिर रहा था, उस जलसे में शरीक न हुआ, लेकिन उसने झाड़ियों में छुपकर तमाम बातें सुन ली। उसने सोचा कि उसे सामने नहीं आना चाहिए और छुपकर पानी पीना चाहिए। दूसरे रोज़ वह सुबह सुबह उठा और दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब पर पहुंच गया। उसने खूब जी भरकर पानी पिया। फिर यह तरीक़ा इख्तियार कर लिया कि सुबह उठता और चोरी चोरी पानी पीकर भाग जाता। कुछ दिनों तक तो किसी को पता भी न चला, फिर तो वह अपने आप को बड़ा समझने लगा। एक दिन वह पानी पीने के बाद तालाब में नहाता रहा। उसके नहाने से तालाब का पानी गंदा और मटियाला हो गया। जब दूसरे जानवर पानी पीने आए तो उन्होंने तालाब को गंदा पाया। ये किसकी हरकत है, शेर गुर्राया, यानी शेर ने गुस्से में कहा कि ये किसकी हरकत है, किसने हमारे तालाब को गंदा किया। सब चीखने लगे, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़ी देर के बाद कछुए ने कहा, देखो मैं तरकीब बताता हूँ कि हम किस तरह उस चोर को पकड़ें। आप मेरी कमर पर मोम लेप दें, मैं सारी रात तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतज़ार करूंगा और उसको ज़रूर पकड़ लूंगा। सबने इस राय से इत्तेफाक किया, यानी सबने कहा कि हाँ ये राय काम करेगी, और कछुए की कमर पर मोम की तह जमा दी गई। कछुआ तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतज़ार करने लगा। उसने अपना सर, पाँव और दुम को खोल में छुपा लिया। वह दूर से एक पत्थर की शक्ल का नज़र आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वह खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी रात इंतज़ार करने के बाद सुबह के करीब उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। कछुआ जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया और पत्थर की मानिंद बेहिस होकर बैठ गया। यानी ऐसा लग रहा था कोई पत्थर है बल्कि कछुआ नहीं है। गीदड़ रोज़ाना की तरह बाहर निकला
और उसने इधर उधर देख कर इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई देख नहीं रहा है। जब वह कछुए के करीब आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा हुआ है। पाँव रखने के लिए यह कितना अच्छा पत्थर है, गीदड़ ने सोचा और अपने अगले दोनों पाँव उस पर रख दिए और गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। सर उठाकर आगे बढ़ना चाहा तो पाँव न हिले, उसके दोनों पाँव जम गए थे। अरे मुझे जाने दो, ये धोखा है, ये चाल है, गीदड़ चिल्लाया। सिर्फ तुम ही धोखा देना नहीं जानते, कछुआ बोला। मैं तुम्हारे खोल को तोड़ दूंगा, गीदड़ ने धमकी दी। जो चाहे करो, जो जी चाहे करो, कछुआ बोला। गीदड़ ने जैसे ही खोल पर मुंह मारा, उसका मुंह खोल में फंस गया। कछुआ तालाब से आगे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह कामयाब न हुआ। उसने अपने पिछले पाँव को ज़ोर से खोल पर मारा, मगर ये क्या, उसके अगले पाँव भी जम गए। कछुआ उसे उसी तरह ले आया। जब जानवरों ने यह खबर सुनी तो सब गीदड़ को देखने को जमा हो गए। हर जानवर अपने अपने तौर पर गीदड़ को बुला भला कहा। शेर आया तो उसने कहा कि इसे जान से मार दिया जाए। इसकी सज़ा का तरीका ये तय हुआ कि भेड़िया इसको दुम से पकड़कर घुमाकर ज़मीन पर दे मारे। यानी भेड़िया जो है उसको अपने मुंह से उसके पूंछ को उठाए और उसको ज़मीन पर पटक कर मार दे। अगले दिन सुबह सुबह सब जानवर जमा हुए। गीदड़ बड़ा चालाक था। उसे रात को जो खाना मिला उसकी चर्बी छुड़ाकर अपने दुम पर चर्बी मल ली। यानी उसने अपने पूंछ पर उस चर्बी को मल लिया। भेड़िया आया और उसने उसे दम से पकड़कर घुमाया। दुम में चर्बी लगी हुई थी, इसलिए वह पूरी तरह न पकड़ सका और दुम छूट गई। गीदड़ दूर जाकर गिरा और उठकर भाग गया। सब जानवर देखते रह गए। उस दिन के बाद से फिर गीदड़ तालाब पर नहीं आया, मगर आज भी कछुआ तालाब के किनारे सारी रात बैठा रहता है ताकि गीदड़ कहीं से आकर पानी को गंदा न कर दे। ये एक लोक कहानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।